हेलो गाइस। सो गाइस, आज की रेसिपी है बहुत ही अच्छी और टेस्टी। ये है राजस्थानी बाटी की रेसिपी। तो गाइस, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, है ना, हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए गेहूं का आटा, और आप जितने मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग आटा ले लेना। फिर हमारे को डालना है उसके अंदर थोड़ा धनिया, सूखा धनिया, और उसके बाद हमारे को डालनी है थोड़ी सी सौंफ। इनको है ना बारीक कर लेना, आप ज़्यादा बारीक भी नहीं। और उसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे अजवाइन, और एक चम्मच हमारे को लेना ज़ीरा। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और एक चम्मच हल्दी। और गाइस, हल्दी से कलर अच्छा आएगा, और ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम डालेंगे घी। तो गाइज़, है ना, अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेना। और फिर हमारे को इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और जिससे ना बाटी है ना सॉफ्ट बनेगी। और उसके बाद हमारे को है ना पानी को गुनगुना कर लेना है, और गुनगुने पानी से हमारे को आटा लगाना है, जिससे कि हमारी बाटी सॉफ्ट भी बनेगी और आटा भी है ना सॉफ्ट होगा थोड़ा सा। तो गाइज़, आपको ना आटा लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आटे को आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है, आपको आटे को थोड़ा टाइट ही रखना है। जो बाटी का आटा होता है ना, वैसे ही आपको गूंथना है आटे को। ज़्यादा गीला कर दोगे तो फिर बाटी गीली हो जाएगी, मतलब सही नहीं लगेगी, वो सही नहीं सीखेगी। तो गाइज़, आटा लगा लो, अच्छे से गूंथ लो, और फिर हम है ना आटा लगाने के बाद है ना इसको 10 मिनट के लिए अपन को आटे को छोड़ देना है इसको, ताकि क्या है आटा ना अच्छा हो जाएगा, बाद में सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइज़, आटा लग चुका है, उसके बाद हमारे को बनानी है बाटी। तो गाइज़, आप है ना थोड़ा आटा लेके, जैसे मैं बना रही वैसे बाटी बना लेना। छोटी बाटी भी बना सकते हो, बड़ी जैसा आपको पसंद हो वैसा शेप दे दो बाटी को, छोटी या थोड़ी सी बड़ी। तो गाइज़, बाटी बना लो। ये बाटी बन चुकी है हमारी। फिर हम रखेंगे बाटी का कुकर, और उसके बाद हमारे को गरम कर लेना है कुकर को। फिर उसमें रख लेनी है बाटी, और मीडियम फ्लेम ही रखनी है। तो गाइस, बस बाटी को घुमाते रहो ताकि ये जले ना। और तो गाइस, है ना, जब बाटी सिक जाती है तो ऐसे फट जाती है, ध्यान रखना आप। अगर ऐसे फट जाए ना बाटी, फटने लग जाए सारी, तो उसका मतलब है ना वो सिक चुकी है। तो गाइस, ये हमारी बाटी सब सिक रही है, आधी सिक चुकी है और आधी सिक रही है। तो आप है ना ढक्कन लगा लो, और गैस को मीडियम ही रखना, ना ज़्यादा लो करना ना ज़्यादा हाई। तो गैस, बाटी रेडी हो गई है हमारी। अब हम लगा लेंगे बाटी के ऊपर घी अच्छे से। तो गैस, है ना, घी लगाना अच्छे से, तो सॉफ्ट हो जाएगी बाटी एकदम, और बहुत अच्छी लगेगी। तो घी लगा लो अच्छे से बस। बाटी पे घी लग चुका है, और अच्छी लग रही है ना बाटी दिखने में। जितनी दिखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो गाइस, है ना, रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाना आप बाटी। और गाइस, जिसके पास बाटी का ओवन नहीं है तो वो कुकर में भी बना सकता है, और थोड़ा सा ऑयल डाल के बाटी को डालनी है आपको, और गैस की फ्लेम रखनी है कम, और ढक्कन बंद कर देना, बन जाएगी बाटी उसमें भी। तो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।